Welcome to my channel and to the first session of Once Upon a Time with Malvika. किसान का बेटा इवान और तीन भयंकर राक्षस भाग दो। सुबह को सबसे बड़ा भाई वापस आया और इवान ने उसे देखा तो पूछा, कहो भाई, कुछ नजर आया? नहीं भाइयों, मेरे पास तो मक्खी तक भी नहीं फटकी, उसने जवाब दिया। इवान यह सुनकर खामोश रहा। अगले दिन मंझला भाई पहरा देने गया। उसने इधर उधर चक्कर लगाया, सभी ओर नजर डाली और यह समझ लिया कि सब कुछ ठीक ठाक है। वह भी झाड़ियों के नीचे जाकर लेट रहा और सो गया। इवान ने उस पर भी भरोसा नहीं किया। जब आधी रात बीत गई तो उसने कपड़े पहने, अपनी तेज तलवार ली और किशमिशी नदी की ओर चल दिया। वह रस भरी पुल के नीचे छिपकर प्रतीक्षा करने लगा। अचानक नदी के पानी में भारी खलबली मच गई। बलूत वृक्षों पर उकाब चीखने लगे। नौ सिरों वाला भयंकर राक्षस आ रहा था। जैसे ही वो रसभरी पुल पर पहुंचा, वैसे ही उसका घोड़ा लड़खड़ाने और उसके कंधे पर बैठा हुआ काला कौवा पंख फड़फड़ाने लगा और घोड़े के पीछे पीछे आने वाले काले कुत्ते के रोंगटे खड़े हो गए। राक्षस ने अपना चाबुक उठाया और उसे जोर से घोड़े की बगल, कौवे के पंखों और कुत्ते के कानों पर सटकारता हुआ बोला, मेरे घोड़े, तू क्यों लड़खड़ा रहा है? काले कौवे, तू क्यों पंख फड़फड़ा रहा है? काले कुत्ते, तेरे रोंगटे क्यों खड़े हो गए हैं? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि किसान का बेटा इवान यहीं कहीं है? वो तो अभी पैदा भी नहीं हुआ, और अगर पैदा हो भी गया तो मेरे सामने वो राई बराबर है। मैं तो उसे एक उंगली से ही दूसरी दुनिया में भेज दूंगा। इतना सुनकर किसान का बेटा इवान उछलकर रसभरी पुल के नीचे से सामने आया और बोला, रुक जरा, बहुत बढ़ चढ़कर बातें न कर दुष्ट राक्षस। आ, दो दो हाथ कर ले और फिर देखेंगे कि कौन किसे दूसरी दुनिया में भेजता है। इवान दुष्ट राक्षस पर झपटा और उस पर दमिश्क की इस्पात की तेज तलवार से उसने एक और फिर दूसरा वार किया। और राक्षस के छह सिर काट डाले। राक्षस ने भी जोरदार प्रहार किया और किसान का बेटा इवान घुटनों तक जमीन में धंस गया। मगर किसान के बेटे इवान ने रेत से मुट्ठी भरी और दुश्मन की अंगारे सी दहकती आंखों में झोंक दी। राक्षस जब अपनी आंखों से रेत निकालने और उन्हें साफ करने लगा तो इवान ने उसके बाकी तीन सिर भी काट डाले। फिर उसने राक्षस की लाश के टुकड़े किए और उन्हें किशमिशी नदी में फेंक दिया। उसने राक्षस के नौ सिरों को रसभरी पुल के नीचे छिपाया, झोपड़ी में लौटा और बिस्तर पर लेटकर ऐसे सो रहा मानो छुआ ही ना हो। सुबह को मंझला भाई घर लौटा। कहो भाई, तुम्हें रात को वहां कुछ नजर आया? इवान ने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया, कोई मक्खी या मच्छर तक भी मेरे पास नहीं फटका। अगर यही बात है तो चलो मेरे साथ मेरे भाइयों, मैं तुम्हें मक्खी और मच्छर दिखाता हूं, इवान ने। इवान अपने भाइयों को रस भरी पुल के नीचे ले गया और उसने उन्हें दोनों राक्षसों के सिर दिखाए। यह देखो, उसने कहा, रातों को यहां ऐसी मक्खियां और ऐसे मच्छर घूमा करते हैं। तुम्हें मेरे भाइयों लड़ने भिड़ने से क्या मतलब? तुम तो घर में आराम से अलाव घर पर लेटे रहा करो।
दोनों भाइयों पर घड़ों पानी पड़ गया। हमें तो नींद ने धर दबाया था, वे बोले। तीसरी रात को खुद इवान पहरा देने के लिए जाने को तैयार हुआ। उसने कहा, मैं आज बहुत ही भयानक लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ। मेरे भाइयों, तुम आज रात भर न सोना, मेरी ओर कान लगाए रखना। जैसे ही तुम्हें मेरी सीटी सुनाई दे, वैसे ही मेरे घोड़े को मेरे पास भेज देना और खुद भी भागते हुए मेरी मदद को आ जाना। इतना कहकर किसान का बेटा इवान किशमिशी नदी की ओर चला गया और रस भरी पुल के नीचे खड़ा होकर इंतजार करने लगा। जैसे ही आधी रात गुजरी कि जमीन कांपने और हिचकोले खाने लगी। नदी के पानी में जोर की खलबली मच गई। तेज हवा साए साए करने लगी और बलूत के वृक्षों पर उकाब चिल्लाने लगे। 12 सिरों वाला भयंकर राक्षस किशमिशी नदी की ओर आ रहा था। उसके 12 के 12 सिर सीटियां बजा रहे थे और सभी से आग की लपटें निकल रही थी। उस राक्षस के घोड़े के 12 पंख थे, उसके बाल तांबे के थे और अयाल और दुम लोहे की। राक्षस जैसे ही रसभरी पुल पर पहुंचा, उसका घोड़ा लड़खड़ाने और उसके कंधे पर बैठा हुआ काला कौवा पंख फड़फड़ाने लगा और उसके पीछे पीछे आते हुए काले कुत्ते के रोंगटे खड़े हो गए। भयंकर राक्षस ने फौरन घोड़े की बगल, काले कौवे के पंखों और कुत्ते के कानों पर चाबुक सटकारा और चिल्लाया, मेरे घोड़े, तू क्यों लड़खड़ा रहा है? काले कौवे, तू क्यों पंख फड़फड़ा रहा है? काले कुत्ते, तेरे रोंगटे क्यों खड़े हो गए हैं? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि किसान का बेटा इवान यही है? वो तो अभी पैदा भी नहीं हुआ। अगर पैदा हो भी गया तो मेरे सामने वो राई बराबर ही तो है। मैं तो बस एक बार सीटी बजाऊंगा और उसकी धूल तक भी नहीं मिलेगी। ना सुनकर किसान का बेटा इवान रसभरी पुल के नीचे से निकला। दुष्ट राक्षस, बहुत बढ़ चढ़कर बातें न कर, कहीं ऐसा ना हो कि फिर शर्म से सर झुकाना पड़े। ओह, तो तुम हो किसान के बेटे इवान, किस लिए यहां आए हो? दुष्ट राक्षस, मैं आया हूं तुझे देखने, तेरी ताकत आजमाने। मेरी ताकत आजमाने? तुम तो मेरे सामने मक्खी के समान हो। किसान के बेटे इवान ने उसे जवाब दिया, मैं ना तो तुम्हें किससे कहानियां सुनाने और न तुमसे सुनने ही आया हूं। दुष्ट राक्षस, मैं आया हूं तुम्हें मौत के घाट उतारने, भले लोगों को तुमसे निजात दिलाने। किसान के बेटे इवान ने अपनी तेज तलवार हवा में लहराई और राक्षस के 3 सिर काट डाले। मगर राक्षस ने अपना सिर पकड़ लिए, उन पर अपनी आग उगलती उंगली रगड़ी और उन्हें फिर से अपनी गर्दनों पर टिका दिया। वे उसी क्षण ऐसे जम गए मानो कभी काटे ही न गए हो। इसी बीच इवान की हालत बहुत खस्ता हो गई। राक्षस ने सीटियां बजा बजा कर उसके कान बहरे कर दिए, अपनी आग उगलती जीभों से उसका तन झुलस दिया, उस पर चिंगारियां बरसाई और उसे धरती में घुटनों तक धंसा दिया। किसान के बेटे इवान, शायद तुम कुछ आराम करना चाहोगे। तुम आराम की बात न करो, अपना तो यह उसूल है, लड़ो तो जान हथेली पर रख कर, करो ना अपनी चिंता रत्ती भर, इवान ने कहा। इतना कहकर उसने जोर से सीटी बजाई और अपना दायां दस्ताना जोर से उस झोपड़ी पर दे मारा जहां उसके भाई थे।
दस्ताने ने सभी खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले, मगर दोनों भाई गहरी नींद में सोए रहे और उन्हें कुछ भी सुनाई न दिया। किसान के बेटे इवान ने अपनी सारी ताकत बटोरी और फिर एक बार तलवार का पहले से जोरदार वार किया। उसने राक्षस के 6 सिर काट डाले, मगर दुष्ट राक्षस ने उन्हें पकड़ लिया, उन पर अपनी आग उगलती उंगली रगड़ी और उन्हें गर्दनों पर टिका दिया। वे फिर तेजी से ऐसे जम गए मानो काटे ही न गए हों। इसके बाद वो किसान के बेटे इवान पर झपटा और उसे कमर तक जमीन में धंसा दिया। इवान ने महसूस किया कि हालत खस्ता हो रही है। उसने बाया दस्ताना उतारा और झोपड़ी पर दे मारा। दस्ताना छत तोड़कर नीचे जा गिरा, मगर दोनों भाई सोए ही रहे, उन्हें कुछ भी सुनाई न दिया। किसान के बेटे इवान ने तीसरी बार अपनी तलवार लहराई और भयानक राक्षस के 9 सिर काट डाले, मगर राक्षस ने उन्हें पकड़ लिया और उनके ऊपर अपनी आग उगलती उंगली रगड़ी, उन्हें गर्दनों पर टिकाया और वे फिर से वहां जम गए। इसके बाद वो किसान के बेटे इवान पर झपटा और उसने उसे कंधों तक धरती में धंसा दिया, मगर इवान ने अपना टोप उतारा और उसे झोपड़ी पे दे मारा। टोप के लगने से झोपड़ी हिलने और लगभग जमीन से ही जा लगी। तभी जाकर भाइयों की आंख खुली, उन्हें इवान के घोड़े की जोरदार हिनहिनाहट सुनाई दी। वो जिन जंजीरों से जकड़ा हुआ था उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा था। दोनों भाई अस्तबल की ओर भागे, उन्होंने घोड़े को खोल दिया और खुद भी उसके पीछे दौड़ चले। इवान का घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचा और भयंकर राक्षस पर सुम प्रहार करने लगा। भयंकर राक्षस ने सीटी बजाई और घोड़े पर चिंगारियों की वर्षा कर दी। किसान का बेटा इवान जमीन में से बाहर निकला और उसने भयंकर राक्षस की आग उगलती हुई उंगली झटपट काट डाली। इसके बाद उसने उसके सिर काटने शुरू किए, यहां तक कि उसका एक भी सिर बाकी न रह गया। फिर उसने राक्षस के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए और इन्हें किशमिशी नदी में फेंक दिया।